स्टोन है, अगर आप जॉब की समस्या से परेशान हैं, या आपका सन कमजोर है, या आपके साथ में कोई अनहोनी होने वाला है, तो इसका रंग बदल जाएगा। सिंह राशि वाले को यह पहनना बहुत ही अच्छा लाभदायक होता है। अब इसका फायदा क्या है, कैसे धारण करें और इसकी कीमत क्या है और शरीर में कौन सी समस्या होने के बाद तो यह जो अंगूठी है इसका नाम है माणिक्य, मतलब कि ये पीतल में भी पहन सकते हैं और ये सोने में भी पहन सकते हैं। अब उसका उपाय बता रहे हैं कि किसमें और कैसे पहना जाता है। सबसे पहले बता देते हैं कि यह सन के लिए यानी कि सूर्य के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अगर सूर्य आपके कुंडली में कमजोर है तो यह पहनने से आपको अच्छे सेक्टर में, जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, उसमें आपका सन साथ देगा और गवर्नमेंट क्षेत्र में ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप गवर्नमेंट की नौकरी पाना चाहते हैं और अगर नहीं लग रहा है तो ये अच्छा काम करता है, आप इसे पहनकर एक बार जरूर ट्राई करें। दूसरा है कि ये तीन राशि, जैसे कि जिसके मालिक, जैसे सूर्य जो मालिक हैं वो सिंह, सबसे पहले कि सिंह जिसके राशि मालिक होंगे वो, और दूसरा जो है वो वृश्चिक यानी कि मंगल जिसके मालिक होंगे, और जिसके मकर और कुंभ, मतलब कि ये तीन जो है यानी कि चार राशि और तीन स्वामी, इसमें ये अगर जातक पहनते हैं तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। अगर दोस्तों आपका सूर्य अच्छा होगा तो आपको अच्छी फेम मिलेगा, पब्लिक आपको अच्छी तरह से जानेगा, ख्याति मिलेगा और आपके पास में पैसा जो आएगा वो सूर्य के कारण ही आता है और जॉब स्टेबल जो रहता है वो सूर्य के कारण ही होता है। अब इसका उपयोग किस किस चीज में होता है तो सबसे पहले हम उपयोग जान लेते हैं कि उपयोग जो है ये 20 कम करने में, किसी भी अगर व्यक्ति को अगर जातक पहने हुए हैं, अगर उनको सांप काट लिया या कोई भी ऐसी जानवर ये काट लिया, कुत्ता हो, तो उनका 20 जल्दी इस व्यक्ति पे काम नहीं करता है, यानी कि जो पहने हुए व्यक्ति हैं उनको जल्दी 20 नहीं लगेगा। दूसरा है कि यह विवाहित, अगर विवाह जीवन अगर कमजोर चल रहा है, विवाह जीवन अगर आपका कमजोर चल रहा है तो भी यह बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप पहन लेते हैं तो आपको इसमें स्ट्रॉन्ग मतलब जीवन साथी के साथ में संबंध रहेगा। तीसरा है कि नेत्र रोग से अगर नेत्र रोग आपके पास में है तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा काम करेगा। चौथा, हृदय अगर रोग है आपके पास में, हृदय संबंधी कोई भी रोग है, ब्लड संबंधी कोई भी रोग है, तो आपको अच्छे तरह से यह काम करेगा। पांचवा है सर दर्द। सर दर्द की अगर समस्या से आप बहुत परेशान हैं, वो छूट नहीं रहा है, या किसी को जैसे कि सीटी स्कैन करवाने की नौबत आती है, तो इसमें बहुत अच्छा तरह से काम करता है। अब ये पहनना कैसे है, धारण उपाय क्या है इसका, धारण उपाय यह आपको रविवार के दिन सूर्य मंत्र 101 बार पढ़ें और उसके बाद आपको इस रत्न का उपयोग करना है। दोस्तों अगर आप जॉब के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं यानी कि गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या प्राइवेट जॉब चाहते हैं, यह गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है, और प्राइवेट जॉब में स्टेबल रहना चाहते हैं कहीं पे ये, लेकिन ये उन्हीं आदमियों के लिए प्राइवेट जॉब में है जिनका शनि अच्छा है और बृहस्पति अच्छा है, क्योंकि शनि और बृहस्पति अच्छा होने के बाद ही आपको प्राइवेट नौकरी में अच्छी सफलता मिल सकती है। बृहस्पति आपका क्वालिफिकेशन उच्च कर सकता है, बृहस्पति उच्च होने वाले आदमी जो है उनका क्वालिफिकेशन उच्च शिक्षा उन्हें प्राप्त होती है, और सन उनका कार्य क्षेत्र अच्छा होना चाहिए। तो पीतल में अगर धारण करते हैं तो आपको इसमें काम आएगा कि जॉब में, और दूसरा है कि अगर आप सोना में इस चीज को धारण करते हैं, माणिक रत्न को अगर आप सोना में धारण करते हैं तो इससे आपको पैसा आएगा, इस जहां से भी पैसा आए, चाहे जॉब से आए या आपको विरासत में मिली संपत्ति मिले, तो इससे सोना के साथ पहनने के बाद, सोना में इसको डाल के पहनने के बाद इसमें अच्छी पैसा आपको आने की संभावना है। अब इसमें क्या है कि इसका कीमत क्या है, इसकी कीमत जो है मार्केट में 800 से आपको शुरू हो जाएगा,
और उसके बाद आप किसी भी सोने की दुकान में जाएं, उनको बनवा कर आप पहनना शुरू करें। और इसका कीमत कितना है इसका हम अंदाजा नहीं बता सकते हैं, लेकिन 800 से आपको मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों यह अगर आप किसी भी जॉब के लिए अगर ट्राई करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, गवर्नमेंट में वो लोग आदमी जिनका एक दो नंबर से छूट रहा है, वैसे व्यक्ति और प्राइवेट में जिनका बृहस्पति और सन अच्छा है, अगर वो धारण करते हैं तो उनको अच्छी सफलता मिलती है, उनको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को और इस बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।